हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कैजाज की जो हमारी पंजाबी सूट की कलेक्शन है, इस कलेक्शन में जो मोस्टली मैंने सूट ऐड किए हैं वो लेस से ही डिज़ाइन किए गए हैं। यानी कि इस तरह की लेस है जो काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, जो देखिए इस दुपट्टे पर ज़्यादा वाइड लेस का यूज़ किया गया है और शर्ट पर कम का, और जो कलर है जो लेस का ये सिल्वर कलर है और काफ़ी तरह की शेड आपको इस लेस में मिल जाती है। आप कोई भी प्लेन सूट बना करके उसको इस तरह रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इस तरह हल्का कट वर्क भी करा सकते हैं प्लेन सूट पर, और चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, और ये डार्क ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट स्काई ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह आप अपने सूट पर लेस लगा सकते हैं और अपने दुपट्टे पर भी जो लेस लगा सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसे मैचिंग सूट बना सकते हैं, यानी कि प्लाजो या सलवार येलो कलर की इसके साथ बना सकते हैं, ऑल ओवर सूट के साथ जी वाला दुपट्टा भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इस तरह अगर आप किसी ये फंक्शन में जा रहे हैं तो आप इस तरह जो स्कर्ट स्टिच करवा सकते हैं ब्रॉकेट के कपड़े की, और जो गोल्डन कलर का प्लेन फैब्रिक आता है ब्रॉकेट में उसकी आप शर्ट बना सकते हैं, उसकी लेंथ इस तरह रखवा सकते हैं, और कोई सा भी हैवी दुपट्टा है जो आपके स्कर्ट के साथ मैच करे वही कलर का ले सकते हैं। नेक्स्ट आप इस तरह प्लाजो सूट स्टिच करवा सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर है और काफ़ी ट्रेंड में ये कलर चल रहा है। तो इस तरह या इसके साथ वाइट है जो दुपट्टा लेके उस पर जे वाला जो गोटा है वो लगा सकते हैं और अपनी शर्ट पर इस तरह लेस लगा सकते हैं। और जो फ्रिल वाली बाजू है वो काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं। नेक्स्ट आप इस तरह सिल्क में सूट बना सकते हैं। इस तरह जो लेस आती है स्टोन वाली वो अपने गले पर इस तरह है जो गले को डिज़ाइन करके बना सकते हैं, और थोड़ी वाइड है जो बाजू पर और घेरे पर लगा सकते हैं। इसके साथ कोई सा भी आपको जो भी कॉम्बिनेशन चाहिए, वैसे जहाँ पर पीच कलर के साथ मेहंदी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है तो हैवी दुपट्टा ले सकते हैं। घर में अगर हैवी दुपट्टा पहले ही आपके पास है तो वो वाला दुपट्टा है जो अपने सूट के साथ पीच कलर के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इस तरह रॉयल ब्लू और मेहंदी कलर का जे कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे।